हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीएचयू पाठशालास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं विशाल आप सभी के लिए एक ऑफिशियल नोटिस बीएचयू का लेके प्रेजेंट हूँ। अभी क्या हुआ है कि आधे घंटे पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है बीएचयू रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा, जिसमें सिंपली सी अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीधी किसकी बात कर रहा है, रीओपनिंग ऑफ बीएचयू की बात कर रहा है। मीन्स कि इस नोटिस के हिसाब से इसमें लगभग आठ नौ पॉइंट मेंशन किए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सी फैकल्टी कब कब ओपन होने वाली हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए कब ओपन होंगी, सेकेंड ईयर वाले के लिए कब होंगी, थर्ड एंड फाइनल ईयर के लिए कब ओपन होंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आराम से एनालाइज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से इसे एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सी बातें कैसे कैसे मेंशन की हुई हैं। ठीक है, आज ही का दिन है 9 फरवरी जब ये नोटिस जारी की गई है, जस्ट आधे घंटे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि फर्स्ट पॉइंट अगर देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट में सिंपली ये लिखा हुआ है क्या कि जितने भी पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके लिए इमीडिएटली कॉलेज को ओपन किया जा रहा है, वो भी ऑफलाइन मोड। क्या ऑफलाइन मोड, कब से? इमीडिएट लिखा हुआ है यहाँ पे, इमीडिएट इफेक्ट, मतलब कि ये नोटिस इशू हुआ उसके एक या दो दिन बाद से ही कॉलेज उनके लिए ऑफलाइन मोड खोल दिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट कहा गया कि जितने भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर चाहे जो भी हो, उनके लिए ऑफलाइन मोड से ही कॉलेज खोले जाएंगे। कब से? इमीडिएटली। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल द क्लासेस ऑफ एग्रीकल्चर फैकल्टी, वेटनरी हो गए चाहे मैनेजमेंट स्टडीज हो गए, इन लोगों के लिए दो बातें कहेंगे, दो कंडीशन रखा गया इसमें। क्या कि अगर इसमें अभी आप अगर क्या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हो तो इमीडिएटली, मतलब कि 10 तारीख यानी कल से ही हो सकता है आपका कॉलेज ओपन हो जाए, कल से ही। ठीक है, बाकी बचे जो भी अदर यानी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर, इसके बाकी सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हो सकता है कौन सी फैकल्टी, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, मैनेजमेंट, इन लोगों के लिए हो सकता है कि कॉलेज कब ओपन हो, इन लोग के लिए कॉलेज 21 फरवरी के बाद से ओपन हो, वो भी ऑफलाइन मोड। ठीक है, अभी मैं आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंस इन सब की बातें नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए अलग से एक पॉइंट मेंशन की गई कि उनके उनके डिपार्टमेंट, उनके फैकल्टी में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे अप्लाई होंगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले बिल्कुल ध्यान से रखिए कि लिखा हुआ है फाइनल ईयर क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड विद द इमीडिएट इफेक्ट, मतलब फाइनल ईयर वालों के लिए इमीडिएटली कल से लागू हो जाएगा, एंड डेट ऑफ रिमेनिंग ईयर्स फ्रॉम 21 फरवरी 2022, बाकी रिमेनिंग के लिए 21 फरवरी से ही ओपन होगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बिल्कुल, जो कि एग्रीकल्चर फैकल्टी और वेटनरी साइंस मैनेजमेंट या मैनेजमेंट फैकल्टी और मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, वो 21 फरवरी के बाद से ही आएगा आपके, तभी से ऑफलाइन मोड से क्लासेस चलेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कहा गया है ऑल द क्लासेस एक्सेप्ट द फर्स्ट ईयर, पॉइंट को मेंशन करिए, पॉइंट को नोटिस करिए, क्या कि एक्सेप्ट द फर्स्ट ईयर क्या कह रहा है कि जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कहाँ कहाँ के, साइंस फैकल्टी के हो गए, अब हम लोग बात करने वाले हैं साइंस आर्ट्स लॉ की ना, तो साइंस फैकल्टी के, आर्ट्स फैकल्टी के, सोशल साइंस, लॉ, एजुकेशन वाले, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले, ठीक है, विजुअल आर्ट्स, कॉमर्स, SVDV एंड MMB, इन लोगों के जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही चलने वाली हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही चलेंगी आपकी क्लासेस, क्या फर्स्ट ईयर वाले, कौन कौन से डिपार्टमेंट, इसमें आराम से क्या हुआ है मेंशन किया गया फोर्थ पॉइंट में। ये नोटिस को हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या आपके फैकल्टी के बारे में कब कब से बातें की गई हैं उसमें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया कि साइंस आर्ट्स, सोशल साइंस, लॉ, एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल, कॉमर्स स्टडी एंड MMB, इन लोगों के लिए क्या ऑनलाइन मोड, कौन से फर्स्ट ईयर वालों के लिए ऑनलाइन मोड चलेंगी। रही बात थर्ड ईयर वालों के लिए और सेकेंड ईयर वालों की, तो वो भी हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि सेकेंड ईयर वालों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 21 फरवरी के बाद से क्लासेस चलेंगे। ठीक है, रही बात थर्ड ईयर वालों के लिए, तो थर्ड ईयर वालों के लिए कल से ही क्लासेस चलने वाली है, मतलब इमीडिएटली 10 फरवरी से ही क्लासेस चलने वाली। तो फर्स्ट ईयर आपका ऑनलाइन मोड ही चलेगा, सेकेंड ईयर 21 फरवरी के बाद, और थर्ड ईयर क्या इमीडिएटली मतलब 10 फरवरी से ही आपके क्लासेस चलने वाली है। तो ये रहा क्या फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में सिंपली लिखा हुआ है किसके बारे में, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वालों के लिए लिखा है, कौन कौन से फैकल्टी, इन सारी फैकल्टी के बारे में लिखा हुआ है कि भाई साहब आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड ही चलेंगी। ठीक है, ये ना सोचिए कि ऑफलाइन मोड में चलेगी और आप घर से चले जाएँ, तो घर पर ही रहिए फिलहाल आपके, क्योंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड ही चलने वाली है। कौन कौन से? फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड और थर्ड ईयर वालों की ऑफलाइन चलेगी, लेकिन थर्ड ईयर वालों का रिसेंटली मतलब तुरंत चलने वाला है 10 फरवरी से, और सेकेंड ईयर वालों का 21 फरवरी से चलने वाला है क्या ऑफलाइन क्लासेस, तो इतना याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट लिखा है हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल के लिए भी अलाटमेंट होगा, वो भी क्या डबल ऑक्युपेंसी के साथ,
सिंगल ऑक्यूपेंसी नहीं, ठीक है। इसके लिए एक फर्दर अलग से नोटिस जारी किया जाएगा किन किन को किस तरीके से हॉस्टल अलॉट किए जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि किस वार्डन और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव डीन इन लोगों से बात करके फिर डिसाइड किया जाएगा कि किन किन को कैसे कैसे हॉस्टल अलॉट किए जाएँ, ठीक है। ये रहा क्या सिक्स पॉइंट। तो इस पूरे नोटिस का क्या सार निकला, सार ये निकला कि एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जितने भी लोग हैं, इन लोग की क्लासेस क्या इनके में जो भी फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले हैं, इनकी क्लासेस 21 फरवरी से चलेंगी। फाइनल ईयर वालों के लिए क्लासेस 10 फरवरी से रन करेंगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है अपने अपने, ये तो ऑफिशियल नोटिस हो गया, अब डिपार्टमेंट वाइज अपना नोटिस किस तरीके से क्लासेस रन करानी वो लोग अपना इशू करेंगे, उससे आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। रही बात बाकी जो हम लोग आर्ट्स, साइंस, लॉ, एजुकेशन, ठीक है, इन लोगों की अगर बात करें, कॉमर्स, तो इन लोगों के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इनकी क्लासेस फिलहाल तो ऑनलाइन मोड ही चलेंगी जैसे चल रही हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों के लिए 21 फरवरी के बाद से क्लासेस चलेंगी, तो वो भी ऑफलाइन मोड, याद रखिएगा। फर्स्ट ईयर वालों के बिल्कुल ऑफलाइन मोड का कहीं भी जिक्र भी नहीं है। सेकेंड ईयर वालों के लिए 21 फरवरी से, थर्ड ईयर वालों के लिए कल से यानी 10 फरवरी से ही क्लासेस ऑफलाइन मोड से चलेंगी। तो सेकेंड और थर्ड वाले बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी क्लासेस ऑफलाइन मोड चलने वाली है, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल एज पर फर्दर नोटिस इशू किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे आप सभी को, ठीक है। सेवन्थ और एट्थ पॉइंट में वही बातें लिखी हैं, फर्दर इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। तो ये हमारे लिए इतना पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके क्या कर सकते हैं, इस नोटिस को फिर से पढ़िए और अपने अपने फैकल्टी, अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ देखिए कि क्या उनकी मतलब आपकी क्लासेस कब से रन करने वाली हैं, ऑफलाइन मोड में चलेंगी या ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो ये रहा पूरे नोटिस का क्या एक तरीके से एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं कि फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इस हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये जो हम इन्फॉर्मेशन है इसका एनालिसिस है सबको सेंड करिए। और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।